कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने अप्रैल से शुरू हो रहे रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में रिकॉर्ड 444 लाख टन यानी कि 4.44 करोड़ टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय खाद्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम की बैठक की अध्यक्षता की थी। बयान के मुताबिक बैठक में आगामी आरएमएस 2022-23 और खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 की रबी फसल की खरीद व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बयान में कहा गया है कि आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान खरीद के लिए 444 लाख टन गेहूं का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष आरएमएस 2021-22 के खरीद अनुमान से अधिक है। इसके साथ ही 7 राज्यों से चावल खरीद के वर्तमान केएमएस 2021-22 सत्र की आगामी रबी फसल के दौरान 42.92 लाख मेट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य सरकारों से चावल की खरीद का अनुमानित प्रतीक्षित है। बैठक के दौरान मोटे अनाज को बढ़ावा देने, ऑनलाइन खरीद कार्यों के लिए न्यूनतम सीमा मानकों को लागू करने, जूट बैग और पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति, भंडारण स्थान, खरीद कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार और खाद्य सब्सिडी दावों के ऑनलाइन निपटान पर भी चर्चा की गई। रबी सीजन 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी प्रति क्विंटल 2015 रुपए तय की हुई है। पिछले साल यह 1975 रुपए प्रति क्विंटल थी, यानी कि कुल एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।